जल जीवन मिशन के तहत रीवा संभाग के रीवा, सीधी तथा सतना जिलों के 4036 ग्रामों के निवासियों को लाभान्वित करने वाली 7853 करोड़ रुपए की समूह जल प्रदाय योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप हरी झंडी दिखाकर 3 नई रेलगाड़ियों को रवाना करें। 3 नई रेलगाड़ियां हैं, रीवा इतवारी वाया छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नैनपुर और नैनपुर छिंदवाड़ा। तीनों ही जगह से हम सीधे जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम स्थल से रेलगाड़ियों को रवाना कर रहे हैं हरी झंडी दिखाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि आज है 24 अप्रैल 2023। आज के दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन रीवा में हुआ था। रीवा से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 नई ट्रेनों का शुभारम्भ किया, जिसमें रीवा इतवारी ट्रेन, छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन आदि ट्रेन शामिल है। बताया गया कि छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर्ट रेल लाइन के विद्युतीकरण से इस क्षेत्र के लोगों को दिल्ली, हावड़ा, मुंबई तक कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी। इसका बड़ा लाभ आदिवासी भाई बहनों को होगा। छिंदवाड़ा नैनपुर के लिए नई ट्रेन शुरू होने से कई कस्बे और गांव अपने जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा और सिवनी से सीधे जुड़ जाएंगे। नागपुर और जबलपुर जाना आसान हो जाएगा। रीवा इतवारी ट्रेन चलने से सिवनी और छिंदवाड़ा के लोग सीधे नागपुर से जुड़ जाएंगे। रेल कनेक्टिविटी के साथ पर्यटन और रोजगार बढ़ेगा। इसका बड़ा लाभ यहां के किसान, स्टूडेंट्स, छोटे कारोबारी, दुकानदारों को होगा। डबल इंजन की सरकार ने खुशियां डबल कर दी। आपको बताते चले कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज किन किन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 411,000 लाभार्थियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया। इनके अलावा आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी अभियान का रिमोट के जरिए शुभारंभ किया। उसके बाद एकीकृत ई ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल और ऐप की शुरुआत की गई। इस ऐप पर 9 अलग अलग सरकारी अभियानों की प्रोग्रेस देख सकेंगे, राय और अनुभव भी साझा कर सकेंगे। इनके अलावा वर्चुअल माध्यम से रीवा इतवारी ट्रेन, छिंदवाड़ा नैनपुर ट्रेन और नैनपुर छिंदवाड़ा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का वर्चुअल भूमि पूजन किया गया। बीना कोटा रेलखंड का दोहरीकरण, छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला फोर रेल लाइन का गैस परिवर्तन और इलेक्ट्रिफिकेशन, बिरला नगर उदी मोड फोर्ट रेल लाइन और महोबा खजुराहो उदयपुरा रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन का लोकार्पण भी वर्चुअल किया गया। मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क अब 100% इलेक्ट्रिक हो गया। ये रेल प्रोजेक्ट 2300 करोड़ से ज्यादा की लागत का है। इनके अलावा हमारे विंध्य में बाणसागर परियोजना की लागत से 2,319 करोड़ 45 लाख रुपए रीवा जिले की बाणसागर परियोजना की लागत है, जिसमें 1,411 गांव में पानी पहुंचाया जाएगा। सतना बाणसागर 2 की परियोजना की लागत 2,153 करोड़ 12 लाख रुपए है। इसमें रीवा सतना जिले के 295 गांव लाभान्वित होंगे। सीधी बाणसागर समूह नल जल योजना के तहत इसकी लागत 1,641 करोड़ 52 लाख रुपए है। इसमें 677 गांव में पीने का पानी पहुंचेगा। तमस समूह नल जल योजना की लागत 951 करोड़ 18 लाख रुपए है। इसमें रीवा जिले के 630 गांव को फायदा होगा। सीधी जिले के गुलाब सागर समूह नल जल योजना की लागत 788 करोड़ 63 लाख रुपए है। इसमें 323 गांव को फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो रीवा है ये वीरों की धरती है, देश के लिए मर मिटने वालों की धरती है। उन्होंने कहा कि हम जितनी बार रीवा आए हैं उनको उतनी बार भरपूर प्यार रीवा से दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास का शिलान्यास और 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इनके अलावा आपको बताते चले कि पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष हनुमानक भाजपा मंडल के जो अध्यक्ष हैं, इनके अलावा सांसद प्रतिनिधि, इनके अलावा आदि लोग जो शामिल थे, उन्होंने प्रधानमंत्री तथा रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित जिले के विधायकों से मांग की है कि
रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को एक करके रीवा जिला एवं मऊगंज जिले को एक नई सौगात दी जाए। इनका कहना है कि रीवा से मिर्जापुर रेल लाइन जोड़ने से व्यवसाय और व्यापार में उन्नति होगी। रीवा जिला अंतर्गत जितने भी गाँव में स्टेशन बनाए जाएंगे अधिकतर लोगों को रोजगार मिलेगा। रीवा जिला अंतर्गत बड़े व्यापारी बड़ा उद्योग खोलने के लिए भी रेलवे लाइन की सुविधा को एक बड़ा माध्यम मानेंगे। यानी कि मांग की गई कि रीवा मिर्जापुर जो रेल लाइन है इसको बनाया जाए। इनके अलावा ललितपुर सिंगरौली के जो पात्र किसान थे वो भी आस लगाए बैठे थे कि उनको रोजगार वाला जो मुद्दा है उनका वो आज हल हो जाएगा। लेकिन आपको बताते चले गए ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में जो पात्र किसान थे उनका जो मुद्दा था नौकरी वाला उसका जिक्र आज नहीं हो पाया। यानी कि पूरे प्रोग्राम में ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना का नाम नहीं आ पाया कि पात्र किसानों को नौकरी देना है या नहीं देना है। यानी कि इस रेल लाइन परियोजना का नाम ही नहीं लिया गया चर्चा का विषय। ये रेल लाइन परियोजना नहीं बनी क्योंकि हमारे बिंद के किसान आस लगाए बैठे थे कि ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना में माननीय प्रधानमंत्री जी पात्र किसानों के पक्ष में फैसला शायद लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। किसी भी प्रकार की कोई भी जिक्र नहीं किया गया और ना ही कोई भी जानकारी अभी तक आई है सामने कि किसी जनप्रतिनिधि ने मांग की है कि नहीं की, क्योंकि स्टेज पे किसी भी प्रकार का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। अकेले में अगर कोई बात की हो, अकेले में अगर किसी जनप्रतिनिधि ने मांग की हो तो उस विषय पर अभी तक खुलकर जानकारी नहीं दी गई। शायद अगर जानकारी दी जाती तो सोशल मीडिया की तरफ से पोस्ट की जाती, क्योंकि फिलहाल हमारे विंध्य का जो मौसम है लगातार बरसात हो रही है, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है कि हम हमारे विंध्य के जनप्रतिनिधियों से पर्सनली बात कर पाए। आपको बताते चलेंगे आज रीवा इतवारी ट्रेन का उद्घाटन था लेकिन स्वास्थ्य बहुत ज्यादा गड़बड़ था, इस वजह से वीडियो बनाने नहीं जा पाए। और जो तीन नई ट्रेनों का उद्घाटन किया गया इनके अलावा कोई भी नई ट्रेन की घोषणा नहीं की गई। रीवा मिर्जापुर रीवा जयसिंह नगर रेल लाइन परियोजना की भी घोषणा नहीं की गई। विंध्य के लोग आस लगाए बैठे थे कि इन परियोजनाओं पर घोषणा हो सकती है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। आपको बताते चलें कि रीवा में जो वंदे भारत ट्रेन 24 अप्रैल से चलने वाली थी, यानी कि आज से चलने वाली थी, रीवा में जो वंदे भारत ट्रेन का जो रैक दिया जाना था उस रैक को केरल को दे दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन की जो संभावना है वो जून तक बनेगी रीवा रेलवे स्टेशन से। इसके पहले किसी भी प्रकार की कोई भी संभावनाएं अभी नहीं बनी है। तो फिलहाल देखिए किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना की, मतलब कि हमारे विंध्य से रिलेटेड कोई भी जानकारी आती है रेलवे से रिलेटेड, तो वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।